हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मुंब्रा के पहाड़ पर और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं बिकॉज हमें जाना है कस्बा। कस्बा एक बहुत ही नया और बहुत ही बड़ा ढाबा खुला हुआ है मुंब्रा में। ये बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही बड़ा है। मुंब्रा बाईपास रोड पर ये आपको मिलेगा पहाड़ के ऊपर। अभी अभी हम लोग ने गाड़ी पार्किंग में लगाई हुई है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा फोटोग्राफी सेशन करते हुए। इनके पास काफी अच्छी पार्किंग स्पेस है, बाइक की अलग और गाड़ी की अलग, फोर व्हीलर की अलग। कस्बा का मतलब होता है टाउन और इन्होंने बिल्कुल वैसा ही एक लुक दिया हुआ है टाउन वाला। ये तो इटली के कोलोसियम जैसा एक हुबहू बना हुआ है। अभी हम अंदर एकदम एंटर कर चुके हैं जहाँ पर मेन खाने की जगह है। ये है इनका काउंटर। काउंटर के बिल्कुल सामने लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मतलब पर्दे की तरह ये सब चीजें बनी हुई हैं। ये वैसे पार्ट जो है ये बारिश में बंद रहता है, लेकिन आप अगर प्राइवेसी चाहते हैं तो यहाँ पर आके बैठ सकते हैं, बट बारिश में नहीं, बारिश के अलावा कोई भी सीजन में। चलिए तो हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं और अंदर जाके अपने लिए एक टेबल सर्च करते हैं। यहाँ पर इनके स्टैंड है जिसमें से एक टर्किश आइसक्रीम का भी स्टैंड है, बट मैं देखने आया हूँ यहाँ पर वो जगह जहाँ पर एक शिप के ऊपर खाना खाया जाता है। तो देखिए ये हम लोग पहुंच गए शिप की तरफ। ये है एक शिप, इस शिप के ऊपर बैठ के लोग खाना खा रहे हैं और बिकॉज यहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं तो मैंने सोचा कि उनका फोटो लेके मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। चलिए ये दिखाता हूँ आपको मुंब्रा का नजारा। मुंब्रा के पहाड़ पर से पूरा मुंब्रा दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, एकदम हरियाली से भरा हुआ। मुंब्रा एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन के फॉर्म में डेवलप हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। मुंब्रा में पहाड़ी भी है और नीचे खाड़ी भी है। खाड़ी मतलब पानी की वाटर बॉडी, एक क्रीक। मेरे दोस्त लोग ऊपर जाके देख के आ रहे हैं कि कैसा है, मैंने भी देख लिया बट मैंने वीडियो नहीं बनाया, जैसे आपको बताया क्यों नहीं बनाया। चलिए अब इस शिप से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल में जहां मैं बैठने वाला हूं वहां पर चलते हैं। ये काफी ग्रैंड है। पहाड़ पर पहले ही दो ढाबे थे, आओ कभी हवेली पे और मतलब लाल किला। ये है तीसरा ढाबा जिसका नाम है कस्बा। इस सेक्शन में जहाँ पे हम लोग अंदर आए हैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम टाउन वाला लुक है। टाउन समझते हैं ना, एकदम छोटा शहर जैसा जो होता है, छोटा शहर मतलब एक्चुअल में ना वो शहर है और ना वो गांव है, उसके बीच की कोई चीज है। तो बिल्कुल वैसा वाला चारपाई वाला लुक दिया है, चटाई वटाई बिछी हुई है, चीजें लगी हुई है, लाइव काउंटर्स हैं। फिर इनका ये किचन है अंदर। ये देखिए, मैं किचन भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा दूर से ही देख रहे हैं आप लोग। किचन इनका बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ऑफकोर्स, क्योंकि इतने लोगों को सर्व भी तो करना होता है, काफी ग्रैंड है ढाबा। तो चलिए फाइनली हम लोग आ गए अपनी चारपाई पर। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ। सामने बैठे हुए हैं असफर सर और शमसुरफ सर और मेरे बाजू में बैठे हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त रशीद सर। इनसे हमने मिनरल वाटर मंगवाया, तो इनकी खुद की एक पर्सनलाइज्ड मिनरल वाटर बॉटल है। ये है इनका मेन्यू कार्ड, देख लीजिए। थोड़ा फास्ट फास्ट मैं स्कैन करके इसको घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। तो डिशेज का प्राइस बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक नहीं है, ठीक ठाक है, एक ढाबे का जैसा होता है यूजुअली, थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैसा है। तो ना ये बहुत सस्ता है ना ये बहुत महंगा है। ये जो चीज़ टैंकर चिकन है ना, ये मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा मीठा सा है बट बहुत टेस्टी है। 550 रुपीज़ का है ये हाफ, बट मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। मेरे दोस्तों को थोड़ा कम पसंद आया बिकॉज वो लोग को तीखा पसंद है। तो हम लोग ने ऑर्डर किया था मतलब यानी कि तीखा वाला भी चिकन एक्जॉटिक। ये 420 रुपीज़ का है, ये तीखा है, अच्छा है, बट थोड़ा सा मुझे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, मतलब इसमें जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम आई है। बट हाँ, टेस्ट के मामले में मतलब अच्छा है, टेस्ट के मामले में इसको अच्छी रेटिंग मिलना चाहिए, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। बट मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बढ़ाई जाए। दिखने में देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। हर जगह जाके मैं स्टार्टर्स तो ट्राई करता ही हूँ, कम से कम दो स्टार्टर्स जब तक ट्राई ना करूँ तब तक मैं रेटिंग देता नहीं, बिकॉज स्टार्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में वो जगह कितनी वर्थ है मतलब जाने के लिए। इसके बाद चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं मेन कोर्स पे। तो ये देखिए आ गई हमारे सामने कस्बा हांडी जो कि 350 रुपीस की है। और ये जो कस्बा हांडी है इसमें क्वांटिटी काफी ज्यादा है, तीखा लेकिन हद से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है। तो तीखे के ऊपर मीठा ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनल डिजर्ट जो कि है मतलब 250 रुपए का, ये है फालूदा। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतना नहीं होना चाहिए था, 150 रुपीस इसके लिए सफिशियंट है। एनीवे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।